और चलिए बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण खबर की। दरअसल अब 70 साल और इससे ज्यादा उम्र के सभी लोगों को आयुष्मान भारत योजना का फायदा मिलेगा। पूरी खबर क्या है ये आपको बताते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत कर दी है। इस योजना के जरिए हर साल 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त कराया जा सकता है। वहीं इस योजना में मुफ्त इलाज के लिए कोई शर्त नहीं रहेगी। इनकम, पेंशन, बैंक बैलेंस, जमीन या पुरानी बीमारियों के आधार पर किसी बुजुर्ग को इस योजना के दायरे से बाहर नहीं किया जाएगा। देश में 70 साल से ज्यादा उम्र के करीब 6 करोड़ लोगों को इसका फायदा मिलेगा। अभी 35 करोड़ से ज्यादा लोग आयुष्मान भारत का फायदा ले रहे हैं। साथियों, जिस देश के नागरिक जितने स्वस्थ होंगे उस देश की प्रगति की गति भी तेज होगी। इस सोच के साथ अपने नागरिकों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य नीति के 5 स्तंभ तय किए हैं। पहला, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, यानी बीमारी होने से पहले का बचाव। दूसरा, समय पर बीमारी की जांच। तीसरा, मुफ्त और सस्ता इलाज, सस्ती दवाएं। चौथा, छोटे शहरों में अच्छा इलाज, डॉक्टरों की कमी दूर करना। और पांचवा, स्वास्थ्य सेवा में टेक्नोलॉजी का विस्तार। भारत अब हेल्थ सेक्टर को होलिस्टिक हेल्थ केयर की नजर से देखता है। आज इस कार्यक्रम में इन 5 स्तंभों की मजबूत झलक दिखाई देती है।